अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? मैं बस कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो रह गए थे लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था प्रोबेबिलिटी का, जो स्टार्टिंग बेसिक प्रोबेबिलिटी के हवाले से, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करने थे। तो ये चीज़ें वैसे तो हमारी डिस्कस हो चुकी थी इंट्रोडक्शन के, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। तो हम जब ये फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो उस किसी भी इवेंट की या किसी एक्सपेरिमेंट की, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेट कंसिडर द स्टेटमेंट दैट इज़ वेरी लाइकली टू रेन टुमारो, और देयर आर 90% चांसेस टू रेन टुमारो, एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम विल विन द मैच, और देयर आर 70% चांसेस दैट पाकिस्तान विल विन द मैच। तो इस जो हम प्रोबेबिलिटी को जो डिनोट करते हैं, असल में ये वो समझाना यहाँ चाह रहे हैं कि हम जब डिनोट, अगर प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 से 1 के दरमियान। अगर आपकी वैल्यू 0.90 है, इट मीन्स कि 90%, ठीक है, 90% उस इवेंट के या उस एक्सपेरिमेंट के चांसेस हैं अकर होने के, ठीक है। और इसी तरह 0.70 है तो 70% आर न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉइन है उस कॉइन को थ्रो करते हैं, तो वो जो कॉइन का थ्रो करना वो एक एक्सपेरिमेंट है। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हेड का आना या टेल का आना, हेड और टेल उसके जो हैं दो वैल्यूज़ हैं जो एक्सपेरिमेंट के अंदर अकर कर रही हैं, और उसमें हेड और टेल जो है वो आज किसी एक वैल्यू का आ जाना, जैसे हेड आ गया या टेल आ गया, तो वो हम कहते हैं कि इवेंट है। एक हेड एक अलग इवेंट है और टेल और एक अलग इवेंट है। तो एक्सपेरिमेंट ये होता है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम, एंड अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल जो है इंस्पेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर डिफेक्टिवनेस, ऑब्जर्विंग द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब्स, मेजरिंग द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग अ सर्वे टू गेट इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। इस थोड़ा सा रीड कर लें। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? रैंडमली जब आप किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कॉइन्स हैं, आपने 10 कॉइन्स को में से कोई 3 कॉइन्स पिक किया और उनको थ्रो किया, और उससे आपने, यानी कि बॉक्स था उसके अंदर 10 कॉइन्स थे, आपने टॉस करना था, आपने रैंडमली 1 पिक किया और उसको थ्रो कर दिया। तो ये एक को जो पिक करके आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसको थ्रो करके आपने जज किया हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था। फॉर एग्जाम्पल यानी कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स इवन दो इट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियल सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस जो थी वो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि कोई भी अगर आपके पास आपके पॉसिबल आउटकम्स जो हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो अगर आप देख रहे हैं, आप अगर यानी अगर एक कॉइन है आपके पास तो उसके पॉसिबल आउटकम कितने हैं? या हेड आ सकता है या टेल। तो इसके दो पॉसिबल आउटकम हैं, एक किसी एक कॉइन को थ्रो करने के दो पॉसिबल आउटकम हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर 2 कॉइन्स हो, आप 2 कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं, अब पॉसिबल आउटकम्स यानी कि जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं और जो कॉइन्स हैं वो भी 2 हैं, तो वो आप 2 की पावर 2 करेंगे, जितनी बार एक्सपेरिमेंट होगा उस वो पावर में आप ले जाएंगे। अगर आप उसको 1 टाइम थ्रो करते हैं तो अब आपके पास पॉसिबल आउटकम 4 हो जाएंगे, हेड और दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, और फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप उसको बढ़ाते जाएं। इसीलिए ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह इन्होंने की है, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ 3 आइटम्स लेट डी फॉर डिफेक्टिव आइटम एंड जी फॉर गुड आइटम, देन द सैम्पल स्पेस इज
ठीक है, थ्री आइटम्स हैं, ठीक है, और जिसमें डी डिफेक्टिव के लिए डिनोट कर रहा है, जी गुड के लिए डिनोट कर रहा है। तो वो जो थ्री आइटम आपने एक बैग से या किसी, यानी कोई भी आपके पास बॉक्स था, आपके पास टेबल थी जहाँ कुछ आइटम्स पड़ी थी, आपने थ्री आइटम्स पिक करी और वो उन आइटम्स के अंदर कुछ आइटम्स डिफेक्टिव हैं, कुछ गुड हैं, तो आप आपके पास उन तीन आइटम्स जो पिक करेंगे कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो जो उनकी दो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, या डिफेक्टिव या गुड, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है कि टू की पावर, और आइटम्स कितनी पिक करनी है, थ्री, तो टू की पावर थ्री आप लेंगे तो वो एट आ रही है, तो एट पॉसिबल आउटकम्स हैं। वो क्या होंगे वो आपको ख़ुद बनाने होंगे, जिस तरह आप ग्रुप्स बनाते हैं, 1 2 3 है, उसके सेट्स बनाते थे मैथमेटिक्स में, तो उससे हम ये जज करते हैं कि ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे कितने, ठीक है। इवेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि हम अगर एक, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, समझ आ जाएगा आपको कि इवेंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ इवेंट जो है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर कोई कॉमन एरिया नहीं होता, कोई कंबाइंड पार्ट नहीं होता, मतलब उसका उन दोनों, अगर ए एक इवेंट ए है एक बी है, उनका इंटरसेक्शन ले तो वो नेल आएगा, नल आएगा, ठीक है। और इसी तरह बी, ये जो अगर बी एक इवेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है, तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। Equally likely events. Equally likely events क्या होंगे, when one event is likely to occur as the other other than the events are said to be equally likely events. ठीक है, आप coin throw करते हैं, coin के अंदर head आने के कितने chances हैं, दो में से कोई एक, तो उसकी probability होती है 1/2, और tail आने के भी chances 1/2, तो कोई ऐसा event, यानी कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, या इसके अंदर जो आपके इवेंट्स हैं, हेड और टेल इवेंट है, तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। हम आते हैं अब आगे, हमने जो क्वेश्चंस करने हैं काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स के, ठीक है। काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स के अंदर हमने ये देखना होता है कि हमारे पास, अगर ये अक्सर आपके NTS और GAT के या टेस्ट्स होते हैं, GAT SAT वगैरह के, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतना ज़्यादा इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग्स के हम देखना चाह रहे होते हैं कि किसी, अगर हमारे पास 4 5 6 चीज़ें हैं, उसमें सिलेक्शन का कोई प्रोसेस है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, तो उसके लिए उनको हम काउंटिंग सैंपल पॉइंट से डिनोट करते हैं। एक प्रोबेबिलिटी में टॉपिक होता है काउंटिंग सैंपल पॉइंट का, तो उसकी जो फर्स्ट टाइप है वो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इसका, उसके अभी हम क्वेश्चन करते हैं। इसकी ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिए थे, तो ये क्वेश्चन जो है आप, हम दोबारा से डिस्कस कर, आप दोबारा से देख लेना कि क्या है इसके अंदर आगे। अब हम जो है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भेजने से पहले ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, ताकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अ डेवलपर ऑफ अ न्यू सबडिविजन ऑफर्स प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स A choice of Tudor, rustic, colonial and traditional exterior styling in ranch, two-story and split-level floor plans. In how many different ways can a buyer order one of these homes? ठीक है, सही है जी। अब इसके अंदर आपने देखना है कि होम बायर्स की जो चॉइस हैं वो कितनी हैं, वो हैं Tudor, rustic, colonial and traditional, four, ठीक है, फोर चॉइस हैं होम बायर के लिए, ऑफर प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स, ठीक है। एक्सटीरियर स्टाइलिश, जिसका एक्सटीरियर स्टाइल जो किसमें होगा, रैंच, टू स्टोरी एंड स्प्लिट लेवल, तो ये आप देख लेंगे कि थ्री फोर टाइप्स के उसके जो हैं
सब डिवीजन्स हैं, और उसके अंदर जो स्टाइलिश उसमें भी थ्री टाइप्स की वो हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो कहते हैं कितने पॉसिबल, इनके कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं कि कितने टाइप्स के घर जो हैं बनाए जा सकते हैं इन ऑप्शंस के साथ। तो उन्होंने पहले बताया कि जी जो हाउसेस की जो सब डिवीजन है वो फोर टाइप्स की हैं, और जो स्टाइल्स हैं वो कितने हैं, थ्री टाइप्स के। तो आपने इस मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना है, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 12 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे कि 12 होम्स बनाए जा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, अगर ये N14 हो और N23 हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे डिटेल भी दी गई है, इसको आप जाते तो ये तो तब है कि आपसे कहा जाए कि ट्री डायग्राम बनाए, ये ट्री डायग्राम, इसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम, ठीक है। लेकिन अगर आपसे जस्ट आंसर पूछा जाए तो आपने बस देखना है एक्सटीरियर स्टाइल कितने थे, 4, फ्लोर प्लान कितने थे, 3। आप जस्ट 4 × 3 करें तो 12 आंसर आ जाता है, और आप बता देंगे कि इसका आंसर 12 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें, इफ अ 22 मेंबर क्लब नीड्स टू इलेक्ट अ चेयर एंड अ ट्रेजरर, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दीज टू बी इलेक्टेड। सही है, 22 मेंबर क्लब नीड्स, ठीक है, 22 क्लब मेंबर हैं क्लब के, और वो ट्रेजरर के लिए सिलेक्ट होना है, तो हाउ मैनी वेज कैन दीज टू बी इलेक्टेड, ठीक है। कितनी वेज होंगी, कितने वेज होंगे कि वो 22 में से नंबर, यानी कि अगर हम नंबर दे दें 1, 2, 3, 4 22 तक, तो नंबर 1 अगर पहले सिलेक्ट हो जाता है और दूसरे पे 22 सिलेक्ट हो जाता है, नंबर 1 यानी कि ऑप्शंस कितनी बनेगी, 1, 2 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, 1, 4 हो सकता है, 1, 5 हो सकता है, 1, 6, इसी तरह 1 के साथ 22 तक। फिर हो सकता है फर्स्ट उसमें नंबर 2 सिलेक्ट हो जाए, 2 के साथ नेक्स्ट में 1 सेलेक्ट हो सकता है, 2 के साथ 2 सेलेक्ट हो सकता है, 2 के साथ 2 तो सेलेक्ट हो नहीं सकता, ज़रा 2 सेलेक्ट हो गया, 2 के साथ 3, 4 इसी तरह। तो टोटल ऑप्शंस कितनी होंगी, उसके लिए आपने जो मल्टीप्लिकेशन रूल इस्तेमाल करना है, फॉर द चेयर पोजीशन देयर आर 22 पॉसिबिलिटीज़ फॉर, तो N1 आपके पास हो गया 22, एंड जब एक सेलेक्ट हो गया तो बाकी कितने रह गए 21, तो N2 हो गया 21। जस्ट मल्टीप्लाई करें तो 462 डिफरेंट वेज हैं, 462 डिफरेंट वेज हैं जिनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट हो सकती है फॉर ट्रायर के लिए, ठीक है, ठीक है। नीड्स टू इलेक्ट चेयर एंड ट्रायर, यानी चेयर और ट्रायर, चेयरपर्सन या ट्रायर जो ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, 462 ऑप्शंस बनेंगे, 462 ग्रुप्स बनेंगे, उनमें से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, सही है। इसमें फिर हम आगे चलते हैं, और इसी तरह ये तो 2-2 वैल्यूज थी, हो सकता है कभी कभी आपको N1, N2, N3, N4, NK तक कोई वैल्यूज दे दी जाए। फॉर एग्जांपल, सैम इज़ गोइंग टू असेंबल अ कंप्यूटर बाय हिमसेल्फ, ही हैज़ द चॉइस ऑफ चिप्स फ्रॉम 2 ब्रांड्स, अ हार्ड ड्राइव फ्रॉम 4, मेमोरी फ्रॉम 3 एंड एन एसेसरी बंडल फ्रॉम 5 लोकल स्टोर्स, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन सैम ऑर्डर द पार्ट्स, ठीक है। N1 कितने हो गए 2, N2 कितने हो गए, हार्ड ड्राइव कितने टाइप्स की हो गई हैं 4, मेमोरी 3 टाइप्स की हो गई हैं, और जो N4 है 5 लोकल स्टोर्स, जो स्टोर्स हैं वो 5 टाइप के। आप जस्ट सारों को मल्टीप्लाई करेंगे और आप कहेंगे 120 पॉसिबल ऑप्शंस हैं डिफरेंट वेज टू ऑर्डर द पार्ट्स, ठीक है, सही। तो इसको थोड़ा क्लियर करें, इसको ये क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है। हाउ मेनी इवन फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 2, 5, 6 एंड 9 इफ ईच डिजिट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें आपने ये देखना होता है कि आपके जो यूनिट 10, 100 और 1000 पे जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह वैसे आप ख़ुद समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो जब हमारा लाइव क्यूरी सेशन होगा उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन समझा देंगे, लेकिन फर्स्ट आप ट्राई करें कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद ये नाज़िर आपकी असाइनमेंट है, सेकंड असाइनमेंट, और ये सेकंड असाइनमेंट जो है इसमें ये 5 क्वेश्चन में, तो आप ये क्वेश्चन जो है देखें, इनको सॉल्व करें, और मैं ये जो है क्वेश्चन उसमें असाइनमेंट जो है अपलोड भी कर दूंगा मुअल्लिम के ऊपर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और ये जो
नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि कोई क्विज़ जो है वो किस दिन लिया जाए। नेक्स्ट डे जो है उस आपका क्विज़ हमने रखना है नेक्स्ट वीक के अंदर, और वो क्विज़ रिलेटेड होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो असाइनमेंट 1 दी गई थी वो किसी ने सबमिट कराई या नहीं कराई वो बाद में देखेंगे, वो भी सबमिट करा दें, उससे रिलेटेड वो होगा। और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा सिंपल सा ही इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग उस जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसको तैयार रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम रूल्स ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ेंगे। ये भी ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम, ठीक है। टाइम मिले तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये जो है अटेंडेंस जो है वो बेशक आप ये यूट्यूब चैनल के कमेंट में ना लिखें, वो पता नहीं मैंने एक बार गलती से कह दिया, तो अब जो है आप जो है वो जब हम लाइव क्यूरी सेशन जूम पे लेंगे तब ले लेंगे, या व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई मुझे अगर ये चीज़ें जिसको अगर समझ में आ गई वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दे कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, और फिर इसके इसी से रिलेटेड क्विज जब होगा तो पता चल जाएगा उसने कितनी तैयारी करी, ठीक है। तो ओके, अल्लाह।